अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2। तो इस चैप्टर के 2.1 मैंने अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर 1 के सारे एक्सरसाइजेस विद मिसलेनियस एक्सरसाइज बी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कैसे जाना है मैंने अपने हर वीडियो में बताया, यहाँ भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सबट्रैक्शन प्रॉब्लम्स एंड चेक योर आंसर। तो यहां के एक नंबर से दूसरे को सबट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनस किया जा रही है, तो माइनस करके रिजल्ट को पुट करना है। ठीक है, मतलब माइनस कर देना और फिर से इसको क्रॉस चेक करना। तो क्रॉस चेक कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट इससे इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसको यहां के हॉरिजॉन्टल के लिए दिए गए हैं, हम पार्ट के लिए इसको परफॉर्म करेंगे। 1000 है तो 1000 से 356 को माइनस करना। तो देखिए यहां 0 से तो 6 नहीं माइनस होगी, तो बड़ा करना, तो यहाँ 10 हुई, तो 10 माइनस 6 4 है। अच्छा यहाँ 9 हो जाएगी, 9 माइनस 5 4 और यहाँ भी 9 हो जाएगी। ये तो बड़ा हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 और यहाँ 10 बना और 10 से कैरी हुआ बड़ा हो और यहाँ बच गया आखिर में 9, तो 9 माइनस 5 6 है। तो इसके आंसर आ रही है 644। अच्छा फिर से देखिए आप क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक मतलब क्या है, आप देखिए ये जो नंबर है इससे इसको माइनस किया, इसको माइनस करने से जो रिजल्ट आया इसको माइनस किया था। अब देखिए इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये नंबर आएगी कि नहीं चेक करना, मतलब यहाँ जो डिफरेंस है डिफरेंस के साथ जो नंबर का हमने माइनस किया लेस किया इसको भी आप ऐड करके देख लीजिए ओरिजिनल नंबर आ रही है कि नहीं, मतलब जिससे माइनस की गई पहले वो नंबर आ रही कि नहीं। अगर आए तो समझ लेना कि ये आपकी माइनस करना ठीक है, सबट्रैक्शन सबट्रैक्ट करना ठीक है। आप देखिए इसको क्रॉस चेक करते, मतलब क्या है क्रॉस चेक ऐसी हुई और इसके साथ इसको ऐड करना, तो 356 प्लस 6 डिफरेंस 644 है, तो इज इक्वल दोनों को ऐड करें। अब देखिए फिर से दोनों को ऐड करना, तो 356 और 644, तो 6 प्लस 4 10 0 कैरी ओवर 1, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 0 फिर से कैरी ओवर 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 है। तो देखिए वही 1000 आ रही है ना, ओरिजिनल नंबर जिससे हमने पहले इसको माइनस किए थे वही नंबर आ गई, तो मतलब क्या है हमारी ये सबट्रैक्शन करेक्ट है, तो यहाँ 1000 हो रही है। तो ऐसे ही क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के केस में भी हम सेम करेंगे, तो यहाँ देखिए इससे इसको माइनस करना, ये क्या है 27601 नीचे थोड़ा सा नीचे कर दो 27601 इसे माइनस हो जाए 4382। तो देखिए 11-2 9 है, यहाँ 9 का 9-1 1, यहाँ 5-3 2 है, यहाँ क्या बचा 7-4 3 है और यहाँ 2, मतलब 23290। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्रॉस चेक करना, तो क्रॉस चेक करना मतलब क्या है, जो डिफरेंस है इसके साथ इसको ऐड करना। अच्छा आप देखिए इसके साथ इसको ऐड करना, 23282 इससे 33,867 और देख लेना कि ये नंबर आ रहा है कि नहीं। अच्छा तो ये जो डिफरेंस है इसके साथ 33,367 प्लस 32,465 इज इक्वल टू, तो आप देखिए दोनों को ऐड करें, तो ये तो माइनस किए थे ना, अब इसको तो माइनस किए थे, अब इन दोनों को ऐड कर लेना, दोनों को ऐड कर लेना इसके साथ, देखिएगा ये आ रही है। तो 7 प्लस 5 12 2 के नंबर 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 3 के नंबर 1, ठीक है ये आया, ये भी आया।
अच्छा 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 ये भी आया, 3 प्लस 2 5 3 प्लस 3 6 तो मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड करने से वही नंबर आएगा, मतलब ये नंबर आएगा ओरिजिनल नंबर, तो इसको यहां पुट कर देना 65,832। अब फोन नंबर के 99,90,222 इससे 112,068 को माइनस करना, तो देखिए 99,90,222 माइनस करना 112,368, तो ये 12 माइनस 8 फोर है, अच्छा 11 माइनस 6 फाइव है, अच्छा 11 माइनस 3 8 है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए 9 माइनस 2 7 है, यहाँ मतलब 8 बचा, 8 माइनस 1 7 है, 9 माइनस 1 8 है और 9 के 9 है, तो 98,77,854 है, तो यहाँ पुट कर देना 98,77,854। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना और चेक करना कि ये नंबर आए कि, तो 98,77,854 + 112,368 इन दोनों को आप ऐड करना, दोनों को ऐड करने के 4 + 8 = 11 1 + 6 11 + 1 12 11 + 1 8 + 3 11 + 1 12 = 11 1 7 + 2 9 + 1 10 = 11 1 7 + 1 8 + 1 9 8 + 1 9 और 9 के 9, तो वही नंबर आ गया। तो यहाँ लिखना 99,90,222, तो भाई सोल्यूशन ऐसी होती है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेक इफ द फॉलोइंग सबट्रैक्शंस आर पॉसिबल इन द सिस्टम ऑफ होल नंबर, कैन यू डू सो बाय जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स। तो यहां देखिए सबट्रैक्शन की फॉर्म में दी गई है चार चार नंबर्स, तो इनमें देखिए क्या इस नंबर फर्स्ट नंबर से दूसरे को सबट्रैक्ट किया जा सकता है होल नंबर के सिस्टम में। देखिए यहां एक फ्रेज है इन द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स, इन द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स मतलब क्या है, होल नंबर की सिस्टम में मतलब होल नंबर की रूल से आप देखा, यहां देखिए मैक्सिमम फैक्ट ये होती है कि किसी भी नंबर से हम किसी भी नंबर को माइनस कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे जिसको सबट्रैक्ट करें वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। मान लीजिए ऐसा ही 0 - 2 = -2 अच्छा वैसे ही देखिए 5 - 7 है तो = -2 है, या फिर 5 - 8 है तो = -3 होगी, क्योंकि 5 से 8 बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर को जब हम किसी छोटा नंबर से माइनस करेंगे ना तो माइनस तो हो जाएगी बड़ा नंबर से छोटा नंबर, एक्चुअली नहीं बड़ा नंबर से छोटा नंबर ही माइनस हो जाएगी, 8 - 5 = 3 है, लेकिन यहाँ बड़ा जो नंबर है इसकी साइन क्या है वो यहाँ माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगी ना इसके सामने पुट होगी, तो यहाँ 5 - 8 = -2 है। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ रियल नंबर की केस में है, जस्ट रियल नंबर की रूल से हम देखते हैं कि किसी भी नंबर से दूसरे किसी भी नंबर को सबट्रैक्ट किया जा सकता है, पॉसिबल है। हाँ सबट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मतलब डिफरेंस वो निगेटिव भी हो सकता है, कभी जीरो भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर सिस्टम में किसी एक नंबर से दूसरे नंबर को जब माइनस किया जाएगा ना तो रिजल्ट वो या तो जीरो आना चाहिए या तो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर जिस नंबर को सबट्रैक्ट की जा रही है वो बड़ा नंबर है तो होल नंबर के हिसाब से ऐसा सबट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए याद रखना चेक इफ द फॉलोइंग सबट्रैक्शंस आर पॉसिबल इन द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स, क्या पॉसिबल है होल नंबर के सिस्टम में, ऐसा नहीं होता होल नंबर के सिस्टम में सबट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगी वो एक होल नंबर आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए, मतलब यहाँ इनडायरेक्टली आपको होल नंबर की क्लोजियर प्रॉपर्टी जो है इसको सिखाया जा रहा है, मतलब क्लोजियर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन। देखिए क्लोजियर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन क्या देखिए, मान लीजिए 1 + 3 है, ये 2 होल नंबर है तो 1 + 3 = 4 है, तो सबट्रैक्ट करने के बाद जो सॉरी ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया सम आया वो भी एक होल नंबर है। देखिए होल नंबर 0 से इनफिनिटी तक मतलब अनलिमिटेड ऐसे ही चलते हैं, 0 से लेकर इससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकती है, ठीक है, लेकिन 0 से लेफ्ट साइड में तो निगेटिव नंबर है, -1 - 2 - 3, हाँ निगेटिव वाला नंबर नहीं आना ना, होल नंबर के केस में निगेटिव वाला नंबर नहीं आना, जस्ट 0 और इसके ऊपर की जो सारे पॉजिटिव नंबर है वो ही आना चाहिए। एडिशन के केस में तो ठीक है किसी भी 2 होल नंबर को ऐड किया जाए प्लस किया जाए तो जो सम आएगी वो भी एक होल नंबर होगी, लेकिन सबट्रैक्शन की केस में ये काम नहीं करेगी, किसी भी 2 नंबर लेके एक को दूसरे से सबट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आएगी मतलब डिफरेंस आएगी वो होल नंबर हो भी सकते हैं और ना भी सकते हैं। तो कैसे देखिए
मान लीजिए 3-1 इक्वल टू क्या है 2 है, पॉजिटिव है, मतलब ये होल नंबर है, होल नंबर है ना। अगर ऐसे ही कहा जाए 1-3 इक्वल टू 10 -2 आएगी, ये जो -2 है ये होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। ठीक है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, शायद आपको पता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर जो है ना इसको लिहाज नहीं होते, लिमिट नहीं होते, जीरो भी होते हैं, और सारे के सारे नेगेटिव नंबर के सेट्स हैं और पॉजिटिव नंबर के सेट भी है। जिस मतलब क्या है, होल इंटीजर की लोएस्ट लेवल मतलब सबसे छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता और सबसे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। हाँ, नेचुरल नंबर की सबसे छोटा नंबर 1 है और होल नंबर की सबसे छोटा नंबर 0 है, लेकिन बड़ा नंबर की कोई लिमिट ही नहीं। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि सबट्रैक्शन आर पॉसिबल इन द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स, मतलब सबट्रैक्ट करने के बाद वो जो डिफरेंस आएगी क्या हुआ होल नंबर हो गया। तो यहाँ देखिए 2, 8, 23, 85, तो 2 के बाद 3 है और यहाँ 2 के बाद 8 है, मतलब 2300 और यहाँ 2800 है। 85 और 35 को छोड़ दीजिए, 2300 और यहाँ है 2800, तो 2800 ये क्या है, बड़ा है, मतलब 23 से 28 बड़ा है ना, तो ये इसको परफॉर्म करने से मतलब इससे इसको माइनस करने से एक निगेटिव नंबर आएगा, तो ये तो होल नंबर नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। या फिर इसको जस्ट नौ कह सकते हैं। यहाँ देखिए 67,000, 65,000, बाकी नंबर क्यों दे दिए 67 और 65 है, इन दोनों को देखना, तो 67 से 65 छूटा है ना, तो यहाँ इससे इसको माइनस करना से पॉजिटिव नंबर आ गया और वो होल नंबर हो गई, तो ये है पॉसिबल, जस्ट पॉसिबल लिख देना आंसर में, तो पॉसिबल सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब देखिए तीसरा नंबर 82, यहाँ भी 82 है, यहाँ 176 और यहाँ 728, तो 176 से 728 ये पड़ा है, 82,000 तो बराबर है, लेकिन इससे इसको माइनस करने से नेगेटिव नंबर आएगा और वो नेगेटिव नंबर तो होल नंबर के दायरे में है, तो ये भी नॉट पॉसिबल। अच्छा, 4 नंबर देखते, 3,40,768 तो ये दोनों नंबर बराबर है, तो किसी बराबर चीज से बराबर को माइनस करने से, सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस करने से खाली हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो इन दोनों इससे इसको माइनस करने से जीरो आएगी और जीरो भी एक होल नंबर है यार, तो ये पॉसिबल है। तो भाई आपने समझ लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंडिंग मिसिंग डिजिट्स इन द फॉलोइंग सबट्रैक्शन प्रॉब्लम्स, तो यहाँ कौन सी डिजिट्स मिसिंग है। अच्छा, इस टाइप की प्रॉब्लम क्वेश्चन 2.1 में सॉल्व किया, तो यहाँ जो सबट्रैक्शन हो रही है ना, तो यहाँ देखिए 5 माइनस किसी भी एक नंबर डिजिट होगी, तो 5 से कौन सी डिजिट सब्ट्रैक्ट करने से माइनस करने से 8 होगी। एक चीज देखिए, 5 से किसी भी डिजिट ऐसी नहीं जो माइनस करने से 8 है, तो मतलब क्या है, इससे यहाँ बड़ा करनी पड़ेगी, 1 अगर बढ़ के जाए तो 15 होगी। अब देखिए 15 से कौन सी डिजिट माइनस करने से 8 होगी, ऑब्वियसली 7 है, तो 15-7 8 है। अब यहाँ क्या बचा, 1 तो यहाँ बड़ हो गया, तो यहाँ 5 बचा, तो 5-5-2 3 है, तो यहाँ 3 होगी। ठीक है, तो ये है टेक्निक, यहाँ देखिए 3-8 इज इक्वल टू 3 से 8 माइनस नहीं हो रही, तो यहाँ देखिए यहाँ तो कोई एक नंबर होगी ना, यहाँ तो कोई एक नंबर होगी यहाँ, तो इससे 1 बड़ा कर देना, तो 1 बड़ा करने से यहाँ 13 हो गया, तो 13-8 5 है, यहाँ 5 है। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 आना चाहिए, तो यहाँ देखिए 1 के एडजस्टमेंट है, तो 1 के एडजस्टमेंट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 इस नंबर पर बड़ा किया गया, तो यहाँ एक्चुअली यहाँ जो डिजिट होगी ना इसके साथ और भी 1 ऐड हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ कौन सी डिजिट है जिससे 4 माइनस करने के बाद 4 बचा, तो ऑब्वियसली 8 है। आप एक चीज़ देखिए 8-4 4 है, तो ओरिजिनली यहाँ से तो 1 यहाँ पर बड़ा किया गया ना, तो बड़ा करने के बाद 8-4 4 होगा, तो इसके मतलब क्या है, यहाँ 9 होगी। आप देखिए आप चेक कर लीजिए, 9 से 1 बड़ा करें तो 13-8 5 है, और 9 से 1 बड़ा हो गया यहाँ 8 बचे, तो 8-4 2 4। आप 3 नंबर को देखिए, यहाँ कौन सी डिजिट है जिससे 2 माइनस करने से 9 आएगी, तो ऐसा सिंगल कोई तो डिजिट है नहीं, तो मान लीजिए यह 11 है, तो 11-2 9 है, तो 11 तो यहाँ हो नहीं सकते ना, 11 तो यहाँ हो नहीं सकते, मतलब 1 हो, तो देखिए इससे 1 बड़ा करनी पड़ेगी, तो 1 बड़ा करने से 11 हुआ। अच्छा, 11-2 9 है, अब यहाँ क्या होता है, 8-7 1 है, तो दोनों में क्या देखिए 1-1 आ गई है। आप देखिए 4 नंबर, देखिए कौन सी डिजिट से 8-8 आएगी,
कौन सी ट्री से 8 माइनस करना सही टाइम तो ऑब्वियसली है 16 16 माइनस 8 8 तो यहां तो 16 नहीं होगा मतलब 6 होगा अब देखिए यहां से बड़ा होगा तो यहां आप 4 बचा अच्छा 16 माइनस 8 8 यहां 4 बचा 4 माइनस अच्छा यहां 4 होना है 4 से कौन से डिजिट माइनस करना से बड़ा होगा ऑब्वियसली 0 है तो 4 माइनस 0 4 अब ये इसी होगा 7 माइनस 6 1 ठीक है ना तो आ गया आंसर आप क्वेश्चन नंबर बोथ के शेयर व्हाट टाइम इट विल बी तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है इन सब स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्या टाइम होंगे मान लो कि 5 आवर्स बिफोर 2 पीएम 2 पीएम से 5 घंटे पहले 2 पीएम मतलब क्या है दोपहर 2 बजे तो 2 बजे से 5 घंटे पहले तो देखिए 2 पीएम इसके पहले 1 पीएम इसके पहले 12 नून होगी ठीक है अच्छा इसके पहले 11 एएम होगी इसके पहले 10 एएम इसके पहले 9 एएम थे अब देखिए 1 2 3 4 5 6 तो इससे 5 घंटे पहले जाओ तो 1 घंटे पहले 1 पीएम था 2 घंटे पहले 12 नून मतलब दोपहर 12 बजे 3 घंटे पहले 11 बजे 4 घंटे पहले 10 बजे और 5 घंटे पहले 9 बजे 5 घंटे पहले 9 बजे तो इस वक्त 9 एएम ठीक तो यहां से हमें लिखना 9 ए एम बस है यहां देखिए तुम्हारे 8 आवर्स बिफोर नून नून यहां लिख देता हूं 12 इससे पहले 11 एम अच्छा इससे पहले लिखे 10 इससे पहले लिखे 9 इससे पहले 8 इससे पहले 7 इससे पहले 6 इसके पहले 5 इसके पहले 6 4 4 एम इसके 4 एम थी इसके पहले 3 है इसके पहले 2 है इसके पहले 1 है मतलब रात 1 बजे अब देखिए 8 घंटे पीछे जाना होगा तो यहां से आकर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 6 7 8 तो इस पर आकर रुकी ना 8 घंटे तो मतलब इस वक्त 4 बजे सुबह 4 बजे तो 4 एम 4 एम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 आवर्स बिफोर 7 एम तो 7 एएम से 4 आवर्स पहले तो इसके 1 आवर पहले 6 2 आवर पहले 5 3 आवर्स पहले 4 4 आवर पहले 3 तो 4 आवर्स पहले तो 1 2 3 4 तो 3 am 3 am की सुबह ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 आवर्स बिफोर मिडनाइट मिडनाइट मतलब क्या है रात 12 बजे ठीक 12 बजे तो इससे 2 आवर्स पहले 1 आवर्स पहले रात 11 बजे और 2 आवर्स पहले रात 10 बजे तो रात 10 बजे वो क्या हो 10 pm 10 pm इसके बाद देखिए 5 नंबर 12 आवर्स बिफोर 5 am तो देखिए एक मेरिडियन में मतलब एक शिफ्ट में 12 घंटे होते हैं तो 5 बजने की 12 घंटे पहले तो वही 5 हुए ना तो 5 am 5 am 6 नंबर देखिए 6 आवर्स बिफोर 1 am 8 pm से 6 घंटे पहले 1 pm तो इसके पहले 12 नून इसके पहले 11 am इसके पहले ये am है इसके पहले 10 है इसके पहले 9 है इसके पहले 8 है इसके पहले 7 है तो कितने 6 आवर्स तो 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर 6 आवर 7 आवर 7 घंटे पहले 7 am था pm से लेके सुबह आ गया मतलब am तक आया तो 7 am अब नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए फाइंड द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट निकालना तो देखिए इसकी सॉल्यूशन मतलब माइनस करना है तो यहां जब कि हॉरिजॉन्टल दी गई तो हॉरिजॉन्टल यहां परफॉर्म कर लेंगे मतलब माइनस कर लेंगे तो हॉरिजॉन्टल अगर दिक्कत है तो इसको रफ वर्क में बांट के लिख लेना 40906 से 2937 को माइनस कर लेना तो 6 से 7 नहीं होगी 1 बराबर है तो यहां क्या है 16 16 माइनस 7 9 यहाँ 9 बचा 9 माइनस 3 6 है यहाँ अब 8 बचा यहाँ से तो बराबर क्या ना तो 1 कम हो गया मतलब 8 8 से 9 नहीं जाएगी फिर से 18 होगी 1 बराबर होगी 18 माइनस 9 9 है अच्छा अब देखिए यहाँ 9 बचा ना, मतलब 9 बचा है तो 9 माइनस 2 7 है और यहाँ 3 बचा तो 37916 है 37969 है अब इसको देखना 3 करोड़ 67 लाख 3 करोड़ 67 लाख 2034 से 12 लाख 47879 तो देखिए
3,67,02,034 is a 12,47,879 माइनस करना। तो देखिए 4 से 9 नहीं जाएगा, तो इससे एक बड़ा करना 14, 14 माइनस 9 5, यहाँ 2 बचा, तो 2 माइनस 7 नहीं हो गया, तो 1 बड़ा करना तो 12 माइनस 7 5 है, यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 8 1, यहाँ 11 बचा, 11 माइनस 7 4 है, और यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 4 5 है, अच्छा यहाँ 6 बचा, 6 माइनस 2 4 है, 6 माइनस 1 5 है, और 3 के 3 है, तो 3,54,54,150 का। तो यहाँ लिखा है इज इक्वल टू 3,54,54,155। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 49,976 टू द डिफरेंस ऑफ 1,24,037 एंड 763। तो देखिए इन दोनों को डिफरेंस के साथ स्क्वायर करना, तो इन दोनों की डिफरेंस मतलब क्या है, इससे इसको माइनस करना, तो 1,24,037 इससे इसको माइनस करना मतलब माइनस साइन है, 763 है, तो ये होते हैं डिफरेंस, ये होते हैं डिफरेंस, और इसके साथ इसको ऐड कर दें, मतलब इस साइड में प्लस करके ऐड कर, या फिर इस साइड में प्लस करके इसको लिखें, कोई फर्क नहीं, इस साइड में भी करेक्ट होगा, इस साइड में भी करेक्ट होगा, टर्म जैसा कुछ ऐसा कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में इसको वैल्यू लिखना 9,976 प्लस, और यहाँ 9-7, 2 है, यहाँ 3 बचा, 3, 2, 1, 1,23,474 इससे इसको माइनस करना सीखा है, तो इज इक्वल टू 49,976 प्लस, अब देखिए ये तो डिफरेंस आ गया 1,23,274, अब इनको ऐड कर देना, मतलब इसके साथ इसको ऐड कर, तो 49,976, अच्छा तो 4 + 6 10,000 अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 6 9 से जो नंबर बनती है वही है, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब क्या है, पहले 1 है और 1 के बाद 4 0 है, तो इससे जो नंबर बनती है वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होते हैं। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को माइनस कर देना, तो यहां सॉल्यूशन में ऐसा ही करना, अगर चाहे तो डायरेक्ट 6 डिजिट से 5 डिजिट माइनस कर दे सकते, ऐसे क्यों होंगे, और अगर दूसरा एक तरीका है थोड़ा सा डिटेल्स का, मतलब क्या है, पहले लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर निकाल देना, इसके बाद लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख देना, इसके बाद डिफरेंस करना, तो वैसे ही हम जाएंगे, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 9,99,999, यहाँ 6 9 होंगे, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है ना, तो यह स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, अब डिफरेंस निकालना, देयरफॉर डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा, इससे इसको माइनस करना, तो 9,99,999 - 10,000, ठीक है, अच्छा अब इसे 10,000 माइनस करना, तो इज इक्वल टू देखिए 10,000 मतलब क्या है, तो यहाँ देखिए 9 - 0, 9 है, फिर से देखिए 9 - 0, 9 है, और 9 - 1, 8 है, और यहाँ तो 9 - 0 कुछ नहीं होता है, तो देखिए 9,89,999, तो 9,89,999 आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्रॉम द सम ऑफ 5,678 एंड 3,789 सबट्रैक्ट 3,789, मतलब इन दोनों की सम से इसको माइनस करना, मतलब इन दोनों को प्लस करके जो रिजल्ट आएगा इससे इसको माइनस करना,
तो देखिए इन दोनों को पहले ऐड करना है सामने, इन दोनों के सामने। तो 5 6 7 8 + 3 7 8 9, तो यहाँ देखिए वही सीधे 3 7 8 9 माइनस हो रही है ना, तो अल्टीमेटली वही बचेगी, मतलब इससे इसको माइनस करने से जीरो और अल्टीमेटली वो बचेगी, तो -3 7 8 9 ये जीरो। देखिए एक्चुअली ब्रैकेट हटा दीजिए तो ये इससे ये माइनस हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो इससे इसको माइनस करने से जीरो हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 5 6 7 8 हो रही है। अगर आप चाहें तो और एक लाइन बढ़ा सकते हैं, मतलब इन दोनों को ऐड कर देना और इसके बाद इसको माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ इसी हो गया, देखिए ये नंबर ये नंबर सेम, ये बदली ये नहीं, तो कट जाती है और बाकी रहती है, तो ऐसे भी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम 987,634 सबट्रैक्ट द लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर एंड देन ऐड द रिजल्ट टू द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर। ये वो इसी है, फ्रॉम मतलब इससे सबट्रैक्ट करना किसको, लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर को। तो फर्स्ट लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर देखिए 597 ही होगी नंबर है, मतलब 99999 है लास्ट जस्ट 5 डिजिट नंबर, लेकिन ये इवन है ऑड है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 9 है। तो देखिए इसकी आगे जो नंबर डिजिट है ये 8 है, तो ये लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर हो गया, तो इसको क्या करना माइनस करना किससे, इससे। तो 987,634 माइनस ये 998 and then add the result to the, इसकी जो रिजल्ट आएगी ना इसके साथ ऐड करना किसको, तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट ऑड नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर ये है 1 के बाद 3 जीरो, तो ये स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर है, लेकिन ये भी नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट जीरो है, तो आप और चाहिए तो इसकी जगह 1 लिख दीजिए, क्योंकि 0 के बाद के डिजिट 1 हो गया ऑड है, तो 1001 है, ठीक है। अब देखिए इससे इसको माइनस करना है ना, तो 987,634, तो देखिए 4 से 8 नहीं जाएगा, 14 माइनस 8 6 है, और यहाँ 12 माइनस 9 3 है, यहाँ देखिए 5 हुआ, तो 15 माइनस 9 6 है, यहाँ 6 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 फिर से 7 है, और यहाँ 17 माइनस 9 8 है, और यहाँ 8 हो गई, तो 887,636 हो गई। तो देखिए इज इक्वल टू 887,636 प्लस 1001 है, ये इज इक्वल टू, आप इसके साथ 1001 को ऐड करना, तो 7 3 6 8 8 8, 888,637 हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाउ मच इज 8904 लेस देन 1 लाख, तो 1 लाख से ये कितनी कम है, 1 लाख से ये नंबर कितनी कम है, तो मतलब क्या है कितनी कम है ना, ये पता करने के लिए 1 लाख से इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए 1 लाख में 5 जीरो होंगे, ठीक है, तो -8904 इसको माइनस कर देना, तो देखिए इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए 100000 माइनस करना 8904, अब देखिए 10 माइनस 4 6 है, 9 माइनस 0 9 है, अच्छा 9 माइनस 9 0 है, 9 माइनस 8 1 है, और 9 पे 9 है, यहाँ 9 बचना, तो 91096 91096 है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो नंबर है 1 लाख से 91,096 कम है, तो आप आंसर ऐसे ही लिखना, therefore 8904 is 91,096 less than 1 लाख, तो 1 लाख से इतनी कम है ये नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इंटरचेंज द डिजिट्स 8 एंड 2 इन द नंबर 335,985 एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ देखिए ये है एक नंबर, इसकी इस नंबर में जो दो डिजिट से 8 और 2 दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब 8 की जगह में 2 रखिए और 2 की जगह में 8 पुट कर दीजिए, इसके बाद जो दो अलग अलग नंबर्स होंगे ना, मतलब एक तो ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज करने के बाद एक नई नंबर आएगी, दोनों में डिफरेंस मतलब अंतर निकल लेना। तो देखिए दी ओरिजिनल नंबर
ये नंबर है, खुद ये नंबर 3,25,985 एंड द न्यू नंबर या फिर थोड़ा सा और भी बढ़ा के लिख सकते हैं कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 8 एंड 2 न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 8 एंड 2 इज, मतलब 8 और 2 दोनों को इंटरचेंज करने से जो नंबर आएगी, तो 2 की जगह में ये 8 आ जाएगी और 8 की जगह में ये 2 आ जाएगी, तो 3 अपनी जगह में रह जाएगी, तो 2 की जगह में 8 ले आइए, तो 3,85,000 हो रही है 900। अब 8 तो यहाँ आया तो 2 यहाँ आना है, तो यहाँ 2 आएगी और 5 हो जाएगी, तो 3,85,925 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ 3,25,000 और यहाँ 3,85,000, तो ये बड़ा है ऑब्वियसली, तो इससे इसको माइनस कर देना, तो देयरफॉर डिफरेंस डिफरेंस क्या है 3,85,925 माइनस 3,00,000 ओरिजिनल नंबर 3,25,985 इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस कर देना, तो 59,940 आ रही है 59,940, तो ये होते हैं फाइनल आंसर। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भाई हाउ मच इज 56,34,980 इज लेस देन 1 करोड़, तो ये नंबर 1 करोड़ से कितनी कम है, कितनी छोटा है, तो 1 करोड़ में देखिए 7 जीरो होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये होते हैं 1 करोड़, यूनिट स्टैंड्स 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, तो सॉल्यूशन में देखिए इससे इसको माइनस कर देना, तो जो डिफरेंस आएगी ना वही 1 करोड़ से ये कम होगी, देखिए 1 करोड़ माइनस 56,34,980 इज इक्वल टू, तो इसे 56,34,980 को माइनस कर देना, तो 0 - 0 = 0, 10 - 8 = 2, 9 - 9 = 0, 9 - 4 = 5, 9 - 3 = 6, 9 - 6 = 3, 9 - 5 = 4, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ से तो बरो किया गया ना, तो 43,65,020 आ रही है, 43,65,020, तो ये जो नंबर है ये 1 करोड़ से इतनी कम है, 43,65,020 कम है, तो therefore आप कैसे ही लिखना 56,34,980 is less than 1 crore by 43,65,020। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, बाकी जितने एक्सरसाइजेस है सब कुछ जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो और मैथ से हेल्प पढ़ते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे जितने सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे आप देखेंगे इनको लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।